नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर मुसफिक रजा जी ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन चंडीगढ़ के चंडीगढ़ जंक्शन से आसाम के डिब्रूगढ़ तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन हर रविवार और बुधवार को चंडीगढ़ जंक्शन से रात 11:20 पर चलती है। इस ट्रेन को चंडीगढ़ जंक्शन से डिब्रूगढ़ तक के 2638 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 56:55 का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 36 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से संबंधित जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में पेंट्री कार, ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको दोनों टाइप के तत्काल, प्रीमियम तत्काल और तत्काल की भी सुविधा मिल जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन दोनों टाइप के लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव से चलती है चंडीगढ़ जंक्शन से डिब्रूगढ़ तक। ये ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से कटिहार जंक्शन तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है और फिर कटिहार जंक्शन से डिब्रूगढ़ तक डीजल लोकोमोटिव से चलती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 2 जनरल क्लास वाले कोच, 12 स्लीपर क्लास वाले कोच, 4 थर्ड एसी क्लास वाले कोच, 1 सेकेंड एसी क्लास वाला कोच और 1 पेंट्री कार वाला कोच इस ट्रेन के रिकॉम्पोजिशन में होता है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रिकॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है। आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रिकॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजिशन क्या होती है। ये ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से छूटने के आधे घंटे पहले चंडीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 से 4 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूं कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर डिब्रूगढ़ पहुंचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से हर रविवार और बुधवार को रात 11:20 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट अंबाला कैंट जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 12:10 पर पहुँचती है और 12:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 15 रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट सहारनपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 2:10 पर पहुँचती है और 2:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 10 रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:25 पर पहुँचती है और 5:33 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 8 रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट बरेली जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:53 पर पहुँचती है और 6:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 2 रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवाँ हॉल्ट लखनऊ चारबाग, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:55 पर पहुँचती है और 11:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 15 रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट गोंडा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:45 पर पहुँचती है और 1:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 5 रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट गोरखपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम 5:30 पर पहुँचती है और 5:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 15 रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट देवरिया सदर, यहाँ पर ट्रेन शाम 6:29 पर पहुँचती है और 6:31 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 2 रुकती है। इस ट्रेन का नवां हॉल्ट शिवान जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम 7:50 पर पहुँचती है और 7:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 5 रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट
छपरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 9:05 पर पहुँचती है और 9:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट सोनपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 10:03 पर पहुँचती है और 10:05 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट हाजीपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 10:17 पर पहुँचती है और 10:22 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट सराय। यहाँ पर ट्रेन रात 10:36 पर पहुँचती है और 10:37 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट मुजफ्फरपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 11:25 पर पहुँचती है और 11:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट समस्तीपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 12:20 पर पहुँचती है और 12:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट बरौनी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 2:10 पर पहुँचती है और 2:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट खगड़िया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 3:13 पर पहुँचती है और 3:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट नवगछिया। यहाँ पर ट्रेन रात 4:03 पर पहुँचती है और 4:05 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट कटिहार जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:10 पर पहुँचती है और 6:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 25 मिनट रुकती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हटाकर डीजल लोकोमोटिव अटैच किया जाता है इस ट्रेन में। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट किशनगंज। यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:25 पर पहुँचती है और 8:27 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:10 पर पहुँचती है और 10:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट कोलाई ग्राम। यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:55 पर पहुँचती है और 11:59 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 4 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट सालबाड़ी। यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12:12 पर पहुँचती है और 12:33 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 21 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट न्यू कोच बिहार। यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:25 पर पहुँचती है और 1:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट न्यू अलीपुर द्वार। यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:50 पर पहुँचती है और 1:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट कोकराझर। यहाँ पर ट्रेन दिन में 3 बजे पहुँचती है और 3:02 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट न्यू बोंगईगांव जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 4:35 पर पहुँचती है और 4:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 28वां हॉल्ट रंगिया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम 6:07 पर पहुँचती है और 6:12 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट गुवाहाटी। यहाँ पर ट्रेन शाम 7:30 पर पहुँचती है और 7:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 20 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट लमडिंग जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 11:05 पर पहुँचती है और 11:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 31वां हॉल्ट दीफू। यहाँ पर ट्रेन रात 12:38 पर पहुँचती है और 12:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 32वां हॉल्ट दीमापुर। यहाँ पर ट्रेन रात 1:33 पर पहुँचती है और 1:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 7 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 33वां हॉल्ट फरकाटिंग जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 3:30 पर पहुँचती है और 3:32 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 34वां हॉल्ट मरियानी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 4:20 पर पहुँचती है और 4:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 35वां हॉल्ट शिमालगुड़ी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:15 पर पहुँचती है और 5:17 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 36वां हॉल्ट न्यू तनसुकिया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 7 बजे पहुँचती है और 7:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 37वां और अंतिम हॉल्ट डिब्रूगढ़। यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:15 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है,
लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन रेलवेज़ के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन रेलवेज़ के ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।